आज हम चलते हैं शाही जायके के मीठे सफर पे, जो आपको बहुत ही पसंद आएगा। और हाँ, ये सफर आपके लिए हम बहुत ही आसान बनाएंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, क्लोडियस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा विथ ड्राई फ्रूट लोडेड रबड़ी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे। रबड़ी बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, ये हमने काऊ मिल्क लिया है, आप कोई सा भी दूध ले सकते हैं। इसमें हम 25 स्ट्रिप केसर डाल रहे हैं। जब दूध खौलना शुरू हो जाएगा तो हम मिल्क पाउडर, जो कि 1 लीटर दूध था, इसमें से कुछ दूध हमने बचा लिया था, उसके साथ 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर घोला हुआ है हमने, अब हम इसको दूध में डाल देते हैं और इसे मिलाते हुए पकाएंगे। इसके साइड में जो दूध जम जाता है, इसे भी हम खरोच कर दूध में मिला लेंगे। अगर आपको मिल्क पाउडर नहीं डालना है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और केवल दूध का ही रबड़ी बनाइए, वो भी बहुत स्वादिष्ट बनेगा। देखिए, अब दूध का कलर चेंज होने लगा है। इसको पकाते हुए हमें 20 से 25 मिनट हो चुका है। अब हम ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। इसमें हमने 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम बादाम और 50 ग्राम पिस्ता लिया है। आधा चम्मच इलायची पाउडर है, वो भी हम डाल देंगे और इसे मिलाते हुए पकाएंगे। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। अब हम देसी खांड डालेंगे, जो 100 ग्राम है। आप चीनी भी डाल सकते हैं खांड की जगह पे। देखिए, इसे भी मिला लेते हैं हम दूध में। अब ये रबड़ी बिल्कुल बनने वाला ही है। अब देखिए, रबड़ी बन चुका है। कितना थिक रबड़ी बना है देखिए, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसे ढक कर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम चाशनी बनाते हैं। चाशनी के लिए हमने 200 ग्राम खांड लिया है और इसमें 1 बाउल पानी डालेंगे और इसको मिलाते हुए हम पकाएंगे। चाशनी हमें एक तार वाली ही बनाना है, ज़्यादा गाढ़ी नहीं करना है, नहीं तो ब्रेड इसमें सख्त हो जाता है। यहीं पे हम इलायची डाल देंगे। इसे बनाने में हमें 10 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए, अब चाशनी बन गया है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ब्रेड तल लेते हैं। यहाँ पे हमने व्हाइट ब्रेड लिया है, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हैं, लेकिन शाही टुकड़ा व्हाइट ब्रेड का बहुत ही अच्छा बनता है। अब हम इसे ट्रायंगल शेप में काटेंगे। आप रेक्टेंगल भी काट सकते हैं, लेकिन ये ट्रायंगल शेप में बहुत अच्छा लगता है देखने में। देखिए, इसी तरह हमने सारे ब्रेड काटना है। अब हमने सारे ब्रेड काट लिया है। अब हम इसको डीप फ्राई करेंगे। शाही टुकड़े की बात है तो हम इसे घी में ही फ्राई करेंगे। आप भी घी में ही फ्राई कीजिएगा, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम इसे अलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। देखिए, ऐसा कलर हमें चाहिए। अब हम इसको निकाल लेते हैं। इसी तरह बचे हुए सारे ब्रेड को हम तल लेंगे। देखिए, सारा ब्रेड हमने तल लिया है। अब हम इसको चाशनी में 3-4 सेकंड के लिए रखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं करना है, नहीं तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। बस चाशनी में डुबाना है और इसे निकाल लेना है। देखिए, इसी तरह हमने सारा डुबा कर निकाल लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे शाही रबड़ी के साथ। हम इसको सर्व कर रहे हैं, ये लीजिए, मुंह में पानी लाने वाला शाही टुकड़ा तैयार हो चुका है। आप इसे खाइए, अपने फैमिली को खिलाइए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एक दूसरे के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं हम इसी तरह की नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। Thank you.